शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन नियम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। ने दोनों हैंड्स को रब करेंगे, आंखें ढके और आएंगे वापस। स्क्रीन प्रेजेंट है, चलिए ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारे मेन उपनिषद और हमारे गीता और योग वशिष्ठ चीजें। उपनिषद को देख लेते हैं तो जो मेन उपनिषद है ये 10 यहाँ पर है। इसमें से ईश, केन, कंठ, प्रश्नो, अभी आ रही साहब, बताएं। हेलो जी मैम, जी मैम आवाज आ रही है। अगर ब्रेक है तो फिर हम आधे घंटे बाद, अगर ज्यादा ब्रेक लगेगी तो आधे घंटे बाद शुरू करेंगे, और अगर ठीक है तो बता दीजिए। ठीक है, अभी ठीक आ गई। तो यहाँ पर हमारे मेन उपनिषद हैं, ठीक है। तो इसमें से हमारे 10 मुख्य उपनिषद होते हैं, जिसमें से ईश, केन, कंठ, प्रश्न उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य और विदारण। ये हमारे 10 मुख्य उपनिषद हैं। और जो हमारा केन उपनिषद है, केन उपनिषद को जैमिनी और ब्राह्मणों उपनिषद भी कहा जाता है। और जो हमारा मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद को मंत्र उपनिषद भी कहा जाता है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कौन सी शाखा से या किस वेद से लिया गया है, ठीक है। तो जो शाखा है या शुक्ल या जो वेद दिए गए हैं, तो जो हमारा ईशोवास्य उपनिषद है ये शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। जो केन उपनिषद है सामवेद से लिया गया है। जो कठोपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। जो प्रश्न उपनिषद है वो अथर्ववेद से लिया गया है। और जो मुंडकोपनिषद है अथर्ववेद से लिया गया है। और मांडुक्य अथर्ववेद। 3 ऐसे उपनिषद हैं जो अथर्ववेद से लिए गए हैं, प्रश्न उपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। जो ऐत्रेय उपनिषद है वह ऋग्वेद से लिया गया है। तैत्रेय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। छांदोग्य सामवेद से लिया गया है। और विद्राहरण शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। तो 2 हो गए सामवेद से आपके, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं शाखा कौन कौन सी है। तो ये 40वीं शाखा 40वें अध्याय से लिया गया है शुक्ल यजुर्वेद के। और ये सामवेद के तलवाकर ब्राह्मण ग्रंथ 90वें अध्याय से लिया गया है। ये कट शाखा से लिया गया है। ये पिपलाद शाखे ब्राह्मण भाग से लिया गया है प्रश्न उपनिषद। जो अर्थवेद है वह शौनक्य शाखा से लिया गया है। और जो आपका कृष्ण तैत्रीय उपनिषद है ये कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय शाखा से लिया गया है। ये सामवाद की तलवार शाखा के छांदोग्य ब्राह्मण अंश से लिया गया है। और शुक्ल यजुर् कार्णव शाखा से लिया गया। ये इनकी शाखाएं हैं। अभी हम देख लेते हैं किसमें कितने मंत्र दिए गए हैं। जो आपका ईशोवास्य है इसमें 18 मंत्र दिए गए हैं। केन उपनिषद में टोटल 34 मंत्र हैं। और जो कठो उपनिषद है 119 इसमें मंत्रों की संख्या है। प्रश्नोत्तर में 76 आपके मंत्र हैं। और मुंडको उपनिषद में आपके 69 और 64 2 इसमें बताए गए हैं। देख लेंगे कौन सा सही है।
जो मुंडको उपनिषद है इसमें 12 है, जो ऐत्रेय उपनिषद है इसमें 33 मंत्र हैं, तैत्रीय उपनिषद में 53 है, और आपके छांदोग्य में आपके 121 मंत्रों की संख्या है, और बृहदारण्यक में 401 मंत्र दिए गए हैं। तो ये हो गए टोटल मंत्र। तो सबसे छोटा जो उपनिषद है मंत्रों की दृष्टि से वह 12 है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका ईशोवास्य उपनिषद। ठीक है, आवाज ठीक है मेरी? आवाज आ रही है सभी को? ठीक। यस मैम। अब हम देख लेते हैं खंड, किसमें कितने खंड दिए गए हैं, या अध्याय किसमें कितने हैं वो देख लेते हैं। तो हम खंड की बात करें तो जो ईशावास्य है इसमें खंड नहीं है, केवल 18 ही मंत्र यहाँ पर दिए गए हैं। जो केन उपनिषद है, केन उपनिषद में हमारे 4 खंड हमें या 4 अध्याय मिलते हैं। तो उसमें प्रथम अध्याय में हमारे 8 मंत्र हैं, सेकेंड में 5 मंत्र हैं, थर्ड में हमारे 12 मंत्र हैं, और फोर्थ में हमारे 9 मंत्र दिए गए हैं। जो हमारा कठोपनिषद है, कठोपनिषद में हमारे 2 अध्याय मिलते हैं, और 2 अध्याय के 3-3 वल्लियां यहाँ पर, 2 खंड हैं, 2 खंड के 3-3 वल्लियां यहाँ पर मिलती हैं। जो प्रश्न उपनिषद है इसमें 6 प्रश्न हैं और 6 ऋषियों का वर्णन किया गया है, 6 मुख्य प्रश्न यहाँ पर मिलते हैं हमें यहाँ पर। जो मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद में 3 मुंडक यहाँ पर बताए गए हैं, और इसमें 2-2 खंड यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, फिर है मुंडकोपनिषद, इसमें नहीं है। और ऐत्रेय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद में भी 3 अध्याय बताए हैं, फर्स्ट अध्याय में 3 खंड हैं और दूसरे तीसरे अध्याय में 3-3 खंड यहाँ पर बताए गए हैं। फिर आ जाता है तैत्रीय उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद में 3 वल्लियां यहाँ पर बताई गई हैं, तीनों वल्लियों में आपके 25, 13 और 15 मंत्र यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आ जाता है आपका छांदोग्य उपनिषद, इसमें आपके 8 अध्याय दिए गए हैं। और आ जाता है बृहदारण्यक, बृहदारण्यक सबसे ही बड़ा आपका उपनिषद है, तो इसमें इसमें 6 आपके अध्याय मिलते हैं, इनको यहाँ पर ब्राह्मण भी बोला गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किसमें मुख्य, इनमें मुख्य चीजें क्या क्या दी गई है। तो जो ईशोवास्य उपनिषद है इसमें कर्म निष्ठा सबसे पहला टॉपिक, इसका कर्म निष्ठा, परब्रह्म या आत्मज्ञान के बारे में, विद्या अविद्या क्या है और ब्रह्म ज्ञान क्या है इसके बारे में दिया गया है। जो केनो उपनिषद है, केनो उपनिषद में आत्मा और मन के बारे में, सत्य की अनुभूति किससे होती है, और यक्ष का उपख्यान यहाँ पे मिलता है, यक्ष के बारे में वर्णन यहाँ पर मिलता है हमें। जो कठो उपनिषद है, कठो उपनिषद में योग की परिभाषा हमें मिलती है, आत्मा का स्वरूप हमें मिलता है, आत्मानुभूति का महत्व यहाँ पर बताया गया है। जो प्रश्न उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद में प्राण और रई, पंच प्राणों के बारे में 6 मुख्य प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। जो मुंडको उपनिषद है, मुंडको उपनिषद में परा और अपरा विद्या के बारे में, ब्रह्म विद्या की महान, ब्रह्म विद्या और महानता के बारे में। नेक्स्ट है सृष्टि के, ब्रह्म सृष्टि या ब्रह्म का क्रम जिसे बोला गया उसका वर्णन यहाँ पर मिलता है, ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है यहाँ पर मिलता है, और ब्रह्म अनुभूति क्या है, ये चीज इसमें सभी मुंडको उपनिषद में मिलती है। फिर है मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद में चेतना की 4 अवस्थाएं और ओमकार को सृजित अक्षर के साथ संबंध, ओमकार का क्या क्या संबंध है और वो की जो मात्रा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ओमकार की जो मात्रा है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका ऐत्र उपनिषद, ऐत्र उपनिषद में आपके आत्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्म की अवधारणा आ जाती है। फिर आ जाता है आपका तैत्रीय उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद में पंचकोश, शिक्षा वल्ली, आनंद वल्ली और भृगु वल्ली, ये 3 चीजें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट है छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में ओम का ध्यान और शाडिल्य विद्या, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि शाडिल्य विद्या कौन से उपनिषद से पूछी गई है, तो आपको ध्यान होंगे छांदोग्य उपनिषद से पूछी गई है। फिर है बृहदारण्यक, बृहदारण्यक में आत्मा और ज्ञान योग के बारे में चर्चा मिलती है, सेकंड में आत्मा और परमात्मा की एकात्मकता के बारे में चर्चा मिलती है। फास्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है स्पीड? थोड़ा सा हो रहा है फास्ट, नए लोगों को दिक्कत आएगी, थोड़ा सा नए लोगों को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, ब्रह्म का नाम व स्थान देख लेते हैं। तो ब्रह्म के बारे में क्या क्या है, तो ईश में तो नहीं, केन जो उपनिषद है, केन उपनिषद में ब्रह्म के नाम, ब्रह्म को तदन्य भी बोला गया है। और जो हमारा कठो उपनिषद है, कठो उपनिषद में जो हृदय, ब्रह्म का जो निवास है वह हृदय आकाश में और अंगुष्ठ मात्र यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है मुंडकोपनिषद,
मुंडकोपनिषद में गुहा चरम वही आ जाता है आपका हृदय में, हृदय की गुहा में ब्रह्म का स्थान बताया हुआ है। जो मांडुक्य उपनिषद है ये इसमें बोला गया है अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा मांडुक्य उपनिषद में बोला गया है। जो ऐत्रेय उपनिषद है, ऐत्रेय उपनिषद में प्रज्ञान इंद्रद्र और विदित, विदित क्या है ये प्रवेश द्वार बताया गया, ब्रह्म के प्रवेश द्वार को विदित यहाँ पे बोला गया है और प्रज्ञान बोला गया है ब्रह्म को और इंद्रद्र बोला गया है। नेक्स्ट है आपका तैत्रीय उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद में सत्य ब्रह्म और नित्य ब्रह्म की बात की गई है और सत्य वदम धर्म परम स्वाध्याय प्रदम ऐसा भी यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट है आपका छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में सर्व फलवद ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है ऐसा बोला गया है और त्वमसी ब्रह्म को यहाँ पर त्वमसी भी बोला गया है और एक और वर्ड यहाँ पर आ जाता है जलान, जलान भी ब्रह्म को जलान भी यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट वृद्धारण उपनिषद, वृद्धारण में अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसा बोला गया है। ठीक है तो ये हो गए सब आपके ब्रह्म के नाम। अब हम देख लेते हैं किस उपनिषद में क्या चीज बताई गई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ईशोवास्य उपनिषद, ईशोवास्य उपनिषद में मुख्य विषय क्या है, इसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है धन किसका है, तो यह सब धन ईश का है बताया, मतलब ईशो सारी चीजें में किस चीज की है वह सब ईश ईश्वर की बताई गई है। फिर यहाँ पर अनुशासित जगत का वर्णन हमें मिलता है, अनुशासित जगत यहाँ पे 100 वर्ष की आयु यहाँ पर बताई हुई है 100 वर्ष का, तो ये अनुशासित जगत 4 भागों में डिवाइड है, एक तो निष्काम कर्म में कर्म करते रहने में, कर्म में और विकार मुक्त जीवन में, यहाँ पे 4 चीजें 4 तरीके से बताया गया है। कर्म करते रहना चाहिए किस तरीके से, ब्रह्मचर्य ग्रस्त और वानप्रस्थ और संन्यास के बारे में बताया गया है, जो 0 से 25 ईयर है वह ब्रह्मचर्य है और 25 वर्ष ब्रह्मचर्य है, 25 वर्ष ग्रस्त है और 25 वर्ष वानप्रस्थ और 25 वर्ष यहाँ पर संन्यास बताया गया है। फिर यहाँ पे असूर्य के बारे में बताया गया है, असूर्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, आत्मा का हनन इसमें बताया गया है, अनुशासित जगत का उल्लंघन होता है जो असूर्य की वह है और शरीर और इंद्रियों में लिप्त रहता है जो असूर्य, असूर्य क्या है यहाँ पर जो पालन नहीं करता है वो किस चीज का पालन, अनुशासित जगत जो बताया ना 100 वर्ष की आयु में जो 4 भाग है उसको निष्काम कर्म से कैसे जीना चाहिए, तो वो जो नहीं करता है उसे असूर्य बोला गया, उसे असूर्य बोलना है जो उसका पालन नहीं करता, अनुशासित जगत का जो पालन नहीं करता उसको यहाँ पे असूर्य, तो वह आत्मा का हनन होता है, अनुशासित जगत का उल्लंघन होता है, शरीर और इंद्रियों में वह लिप्त रहता है ऐसा। फिर यहाँ पे पर ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है, ये अचल है गतिमान है सर्वज्ञ है दूर है और निकट है, पर ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। फिर यहाँ पे आत्मज्ञान के लिए बताया गया है कि समस्त भूतों में एकता की जो भावना है उस तरीके से रहने है और मोह और शोक से रहित रहना है। फिर यहाँ पर 2 चीजें हमें मिलती है अविद्या और विद्या, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ चुका है विद्या और अविद्या से, तो अविद्या क्या है, भौतिक ज्ञान है कर्म अनुष्ठान और मृत्यु को अविद्या कहा गया है, विद्या क्या है आध्यात्मिक है और ज्ञान की अनुष्ठान है, जो ज्ञान का जो अनुष्ठान है वे विद्या है और अमर तत्व क्या है विद्या है, और ये हमें किस तरीके से मिल सकता है, मोक्ष की प्राप्ति किस तरीके से हो सकती है, विद्या और अविद्या की एक साथ उपासना करना करना है, नहीं तो केवल विद्या और अविद्या से घोर अंधकार मिलता है, अगर केवल हम विद्या से ही मोक्ष पाना चाहते हैं तो वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, दोनों को साथ करना है, विद्या और अविद्या एक साथ चलेंगे तभी हमें मोक्ष की या ब्रह्म की हम प्राप्ति कर सकते हैं, ब्रह्म प्राप्ति कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 2 चीजें आती है असंभूति और संभूति, असंभूति मतलब क्या होता है साकार बिखराव विनाशक और जो मृत्यु है उसे असंभूति कहा गया है, जो संभूति है संभूति मतलब निराकार संगठन सृजन या अमृत्व, अमृत्व का जो भाव है उसे यहाँ पर संभूति कहा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा हो जाता है
केनो उपनिषद। केनो उपनिषद में चार प्रश्न से शिष्य द्वारा चार प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, गुरु द्वारा बजाते हैं, गुरु बताते हैं मन वाणी प्राण श्रोत और चक्षु से ब्रह्म को जाना जा सकता है। कि ब्रह्म को किस तरीके से जाना जा सकता है, क्वेश्चन है। तो मन वाणी प्राण श्रोत और चक्षु से ब्रह्म को जान सकते हैं यहाँ पर बताया गया है। फिर द्वितीय अध्याय में बताया गया है कि ब्रह्म को अभिमान रहित मनुष्य जानता है। ब्रह्म को कौन जानता है, जिसमें बिल्कुल भी अभिमान नहीं है वही ब्रह्म को जानता है, ऐसा बताया गया है। फिर यहाँ पर सत्य जो ब्रह्म है उसके बारे में कुछ बताया गया है। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से किसकी प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति यहाँ पर बताई गई है। और फिर ये बल जो है आत्मबल से आत्मविद्या की प्राप्ति होती है। आत्मविद्या से किसकी प्राप्ति होती है, अमृत स्वरूप की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। और परमात्मा की प्राप्ति से क्या होता है, प्रत्येक वस्तु का बोध यहाँ पर हो जाता है। फिर इसके तृतीय अध्याय में यक्ष उपख्यान, यक्ष का उपखान मिलता है, यक्ष का वर्णन मिलता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो जो यहाँ पे जो ब्रह्म यक्ष कौन है, यक्ष यहाँ पर ब्रह्म को बोला गया है। जो यक्ष है वो कौन है, ब्रह्म है। तो यहाँ पर अग्नि वायु और इंद्र तीन देवों का यहाँ पर वर्णन आता है। जो अग्नि है, अग्नि को यहाँ पर जात वेदा कहा गया है। जो वायु है इसे मातृशिवा कहा जाता है। कभी कभी यहाँ से नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि वायु को क्या कहा गया है, अग्नि को क्या कहा गया है। और जो इंद्र है, इंद्र को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इंद्र को हेमवती, हेमवती भी कहा गया है। यहाँ पर जो उमा देवी है ने बताया थी यक्ष ही ब्रह्म है। तो इंद्र को किसने बताया था कि यक्ष ही ब्रह्म है, उमा देवी, उमा देवी, उमा देवी देवी और हेमवती। यहाँ पे दो नाम यहाँ पे दिए गए हैं, उमावती और हेमवती ने बताया था। फिर जो आपका चतुर्थ चतुर्थ खंड है, यहाँ पे ब्रह्म का नाम दिया गया है। चतुर्थ खंड में दिया है तदन बोला गया है, तद प्लस वन के यहाँ पर दो यहाँ पे संधि किया हुआ है। यहाँ पे फिर ब्रह्म विद्या के साधन बताए गए हैं। ब्रह्म विद्या को तीन साधनों से प्राप्त किया जा सकता है, तप से, दम से और कर्म से। तप में आपके क्या क्या आ जाएंगे, स्वधर्म का पालन करना, कष्टों को सहन करना और अशुद्धि का नाश। ये तीन चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, स्वधर्म का पालन करना, कष्ट सहन करना और अशुद्धि का नाश। फिर दम, दम में क्या करना है, मन और इंद्रियों का नियंत्रण करने के लिए कहा गया है। फिर कर्म, कर्म किस तरीके से करने हैं, निष्काम कर्म की बात की गई है। तो ये हो गया आपका केनो उपनिषद। अब बात कर लेते हैं कठ उपनिषद। कठ उपनिषद में जो हमारे मुख्य उपनिषद हैं, मुख्य उपनिषद में ही हमें योग की परिभाषा मिलती है। यहाँ पर स्थिरा इंद्रियम धारणा, ये दूसरे अध्याय के तीसरे तो केस में खंड जो भी है इसकी वल्ली, उसमें हमें मिलता है। और इसमें नचिकेता के पिता जो हैं उनका नाम क्या है, वाश्रवा और उदालक बोला गया है। नचिकेता की स्टोरी इसमें आ जाती है। तो जो वाश्रवा है और जो उदालक ने, उन्होंने क्या किया, विश्वजीत यज्ञ किया था। तो विश्वजीत यज्ञ किया था तो उन्होंने दान कर दिया था, जीर्ण गायों को दान कर दिया था। तो फिर इससे नचिकेता का उनका यहाँ पे वर्णन मिलता है। तो नचिकेता उन जो वाश्रव उदालक है या नचिकेता के पिता है, वह उनसे नाराज हो जाते हैं और उनको क्या दे देते हैं, यम को दे देते हैं। यम को दे देते हैं। और फिर वह 3 रात्रि तक यम के द्वार पर खड़े रहते हैं। तो इसलिए यम उनसे प्रसन्न होकर उनको 3 वर दे देते हैं। और ये वर कौन कौन से हैं, पहला वर है, 3 ये वर मांगते हैं नचिकेता जी। और उनमें से सबसे पहले वे वर मांगते हैं पिता का क्रोध शांत हो जाए, अग्नि विद्या क्या है और आत्मज्ञान क्या है, मृत्यु के पश्चात क्या आता है। आत्मज्ञान का मतलब क्या है, मृत्यु के पश्चात क्या होता है। और प्रसन्न होके यम को एक और वर देते हैं, या नचिकेता को एक और वर देते हैं यम। वो कौन सा है, नचिकेता अग्नि, ये वाला वर देते हैं। फिर यहाँ पर जीवन यात्रा के 2 मार्ग बताए गए हैं, एक तो श्रेय मार्ग और एक है प्रेम मार्ग। श्रेय मार्ग कौन सा है, मोक्ष,
मोक्ष प्राप्ति वाला है, और अपवर्ग ऊपर की ओर जाने वाला बताया गया श्रेय मार्ग को, और जो प्रेय मार्ग है ये सांसारिक है और हमें भोग की तरफ ले जाता है, जीवन यात्रा के दो मार्ग। फिर यहाँ पे योग का अभिभाव है, इसमें दो चीजें हैं, एक प्रभाव और एक अप्रभाव। प्रभाव मतलब है शुभ संस्कार की उत्पत्ति हो जाती है, और अभाव मतलब है अशुभ संस्कारों की अशुभ संस्कारों का जो विनाश है उसको बोला गया है अभाव। फिर यहाँ पर आत्मा का स्वरूप बताया गया है, आत्मा किस प्रकार से है, नित्य है, अजन्मा है, शाश्वत है और अति सूक्ष्म बताया गया है। फिर यहाँ पर परमात्मा प्राप्ति करने के साधन यहाँ पे बताया है कि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आपका आ जाता है, परमात्मा प्राप्ति के जो साधन है ये एक पिक्चर बनाइए, पिक्चर से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो घोड़े हैं, जो घोड़े होते हैं वे इंद्रियां होती हैं, जो आपका जो रथ है रथ को जो आपका रथ है वह शरीर है, जो आपके मार्ग है वह विषय हो जाते हैं, जो रथ में जो बैठा हुआ जो व्यक्ति है वह आत्मा या उसे रथी कहा जाता है, जो सारथी है रथ का जो सारथी है वह बुद्धि हो जाएगी, और जो सारथी जो लगाम को पकड़ रहा है वह मन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद करके रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं बार बार कि कौन सी चीज क्या है, बुद्धि क्या है, सारथी है, लगाम क्या है, मन है, जो घोड़े हैं वे इंद्रियां हैं, जो मार्ग है वे विषय हैं, शरीर क्या है, रथ है, और जो उसमें शरीर रथ में जो बैठा है वह रथी वह आत्मा यहाँ पर बताई गई है। फिर यहाँ पर श्रेष्ठता का क्रम दिया गया है, सबसे श्रेष्ठ क्या है, इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है, विषय, विषय से श्रेष्ठ क्या है, मन, मन से श्रेष्ठ क्या है, बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है, आत्मा यहाँ पर बताई गई है। फिर यहाँ पे नाड़ियों का हमें वर्णन मिलता है कठोपनिषद में, कठोपनिषद में हृदय में बताई गई है 101 नाड़ियां यहाँ पर बताई गई है, और ये नाड़ियां कहाँ जाती है, ये हृदय से मूर्धा की ओर जाती है, तो इसका ध्यान रखेंगे, कठ उपनिषद में हमें 101 नाड़ियां बताई गई हैं जो हृदय से मूर्धा की ओर जाती हैं, और यहाँ पर हमें कठ उपनिषद में बाण, आत्मा और धनुष का वर्णन भी मिलता है। तो आपका लक्ष्य क्या हो जाता है, ब्रह्म लक्ष्य है आपका, हाँ, जो ओम है, ओम क्या है, धनुष है, और जो आत्मा है वह क्या है, बाण है। ऐसा ही वर्णन हमें कौन से योग उपनिषद में मिला था, मुंडक उपनिषद, मुंडक है, मुंडक के बाद योग उपनिषद कौन सा था, ध्यान बिंदु है शायद, वहां पर अपने अनुसार साक्षी पद, क्या कह रहे हैं, ध्यान बिंदु है मैम, याद नहीं है, ध्यान बिंदु, ध्यान बिंदु उपनिषद में भी वर्णन मिलता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रश्नोपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में हमारे 6 ऋषि होते हैं, 6 ऋषि किस ऋषि से क्वेश्चन करते हैं, पिपलाद, 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 तो सबसे पहले जो आपके, हाँ, पिपलाद, और कितने टाइम पीरियड तक के लिए करते हैं, टाइम पीरियड तक रहते हैं, एक साल, एक वर्ष, 12 महीने, एक साल तक के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कदम्बी, कदम्बी द्वारा क्वेश्चन किया गया था, तो रई और प्राण क्या है, तो रई और प्राण से मिलकर आपके आप क्या बनती है, प्रजा यहाँ पर मिलती बनती है, और प्रजापति जो ब्रह्म है, ब्रह्म का यहाँ पर स्वरूप बताया गया कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तो ब्रह्म 5 पैरों वाला है, पंच तत्व जो हमारे शरीर में है उसको 5 पैरों वाला यहाँ पर बताया गया है, 5 जो तत्व है, 12 मास वाला है, आकृति इसकी कैसी है ब्रह्म की, 12 मास वाली है, भूलोक है, और यहाँ पे 6 ऋतुएं बताई गई हैं, 7 चक्र बताए गए हैं, और इस ब्रह्म में मतलब दिन रात अन्य और वीर्य भी होता है इस ब्रह्म में। फिर सेकेंड है आपका, सेकेंड जो भार्गव है, भार्गव द्वारा 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रजा का आधार क्या है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है, तो प्रजा का आधार क्या है, तो प्रजा का आधार यहाँ पर प्राण को बताया गया, यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है प्रजा का आधार क्या है, तो प्राण को बताया गया है प्रजा का आधार। फिर नेक्स्ट है, थर्ड है अश्वलायन, अश्वलायन द्वारा 6 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं आपके,
प्राण की उत्पत्ति, प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है? प्राण की उत्पत्ति आत्मा से यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। प्रजा का आधार प्राण है और प्राण की उत्पत्ति आत्मा से बताई गई है। फिर यहाँ पर पंच प्राणों का वर्णन मिलता है और प्राण रूपी अग्नि से सात ज्वालाओं का प्रादुर्भाव होता है। जो हमारे प्राण रूपी जो अग्नि है उससे सात ज्वाला निकलती है। ये कहाँ कहाँ से होती है? दो नेत्र से, दो नाक से, दो दो कान से, दो नाक से और एक मुख से बताई गई है। फिर है सौर्याणी, ये गार्गे, तो यहाँ पर है, तो इसमें पूछा गया है मनुष्य सोता कहाँ है, जागता कहाँ है और स्वप्न कहाँ देखता है और सुख का अनुभव कैसे होता है। तो मनुष्य सोता सोता ही है ना, सोता मनुष्य में कौन सोता है, कौन जागता है? क्या कह रहे मनुष्य में कौन सोता है? मन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है? मनुष्य में सोता कौन? मन है। जागता कौन है? पंच प्राण है। और स्वप्न कौन देखता है? जीवात्मा देखती है। और सुख का अनुभव किस द्वारा होता है? जीवात्मा द्वारा ही होता है। फिर यहाँ पे पंच प्राण की अग्नियां दी गई हैं, जो हमारे पंच प्राण हैं। तो गाय पत्य, जो गाय पत्य है वह अपान प्राण के द्वारा बताई गई है। अहाविनीय जो है वह प्राण के द्वारा, जो हमारा प्राण है उसके द्वारा बताई गई है। दक्षिणा अग्नि, दक्षिणा अग्नि व्यान, जो हमारे व्यान प्राण है वो वाली अग्नि बताई गई है। आहुति, आहुति क्या है? समान प्राण के द्वारा है। और जो इष्ट फल है वह उदान प्राण के द्वारा यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, सत्य काम द्वारा कि ओमकार की उपासना, ओमकार में क्या क्या चीजें हैं? तो अ, उ और म बताया गया है। कार में मृत्यु लोक है जिसे भू बोला गया है। उ मतलब स्वर्ग लोक जो भव है, और म, म मतलब ब्रह्म लोक मतलब की जो स्व बताया गया है। फिर नेक्स्ट है सुकेशा, सुकेशा द्वारा क्वेश्चन किया गया है कि 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है? तो 16 कलाओं वाला पुरुष, इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? 16 कलाओं वाले पुरुष में प्राण आ जाता है, श्रद्धा आ जाती है, आकाश आ जाते हैं, आकाश के बाद पंच महाभूत जो हमारे पांच तत्व हैं वे आ जाते हैं, अंतकरण, अंतकरण में दो चीजें आ जाती हैं यहाँ पर, फिर अन्न वीर्य और तप, मंत्र कर्म लोक और नाम। इस तरीके से ये 16 कलाओं वाले पुरुष की विशेषता यहाँ पर बताई गई। तो ये हो गया आपका प्रश्नोपनिषद। नेक्स्ट हम करेंगे मुंडकोपनिषद। समझ में आ रहा है सभी के? यस मैम। तो जो इसमें आपको डेफिनेशन मिलती है सत्पुमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद से ही मिलती है। इसको मंत्र उपनिषद भी कहा गया है। और यहाँ पर ब्रह्म विद्या ज्ञान का क्रम दिया गया है। ब्रह्म विद्या का ज्ञान, तो सबसे पहले ब्रह्मदेव है यहाँ पर। ब्रह्मदेव से अथर्वा, अथर्वा से अंगिरी, अंगिरी से सत्यवाहा, सत्यवाहा से अंगिरस और अंगिरस से शौनक के, शौनक ऋषि के बारे में बताया। यह है ब्रह्म विद्या का ज्ञान का क्रम है। नेक्स्ट है ब्रह्म विद्या। यहाँ पे ब्रह्म विद्या के दो पार्ट है, परा और अपरा विद्या। परा में क्या क्या चीजें आ जाती है? अक्षर ब्रह्म, ज्ञान कांड और प्रगतिवाद यहाँ पर आ जाता है। और जो अपरा है, अपरा में चार वेद, छह वेदांग और कर्म कांड और रूढ़िवाद, ये सारी चीजें अपरा में आ जाती है। फिर यहाँ पे परम ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है, जो 10 प्रकार से यहाँ पे बताया गया है, फिर डिटेल नहीं है। फिर यहाँ पे जगत की उत्पत्ति का क्रम है, ये क्रम आपका आ जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या है? तप। तप से क्या प्राप्त होता है? ब्रह्म। ब्रह्म से अन्न, अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से सत्य, सत्य से लोक, लोक से कर्म और कर्म से अमृतत्व, अमृतत्व की प्राप्ति यहाँ पर बताई गई है। फिर यहाँ पर छह यज्ञ का समय बताया गया है कि कौन कौन किस समय छह यज्ञ करने चाहिए। तो दर्शम, दर्शम मतलब हो गया आपका अमावस्या, अमावस्या को हमारा दर्शम यज्ञ करना चाहिए।
प्रौढ़ मास, प्रौढ़ मास में बता देंगे कर्म कैसे, बता दिए थे मैम थोड़ा इसका सीरियल भाई। किसी को पता है तो बताएं। लोक के बाद कल्प होगा या कर्म होगा, ये थोड़ा मिस्टेक पे लिखा हुआ ये वाला कर्म, ये लोक है मैं। फिर ये कर्म है। ओके ओके मैम। कमल के बाद अमृतम। मैम सृष्टि उत्पत्ति एक बार और बताइए तो। सृष्टि उत्पत्ति क्रम, सबसे पहले तप है, तप के बाद ब्रह्म है, ब्रह्म के बाद अन्न है, अन्न के बाद प्राण है, प्राण के बाद मन है, मन के बाद सत्य है, सत्य के बाद लोक है, लोक के बाद कर्म है, कर्म के बाद अमृतम है। मैम ये ब्रह्म लिखा है तप के बाद। ब्रह्म है मैम, हमें कुछ और दिया था जैसे कि अक्षर ब्रह्म, उससे अग्निदेव, फिर पर्जन्य, फिर वर्षा, फिर औषधियां, फिर वो वीर्य भी है, रेतस, वो किसी और और, अभी फिर किसी संख्या। किसी और, ये सब आपके अलग अलग होगा ना, ये मुंडकोपनिषद के अनुसार ये नहीं, मैं मुंडकों का ही बोल रही हूँ जो मैम ने लिखा इसमें के एक दिया और है। बार है ये जगत की उत्पत्ति, एक और दी हुई है, दो बार दिया गया है। ओके मैम। अभी आगे भी आएगा। फिर यहाँ पे छह यज्ञ का समय है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकता है। तो दशम, दशम पहला है, यह होता है अमावस्या के टाइम, पौर्ण मास पूर्णिमा हो जाएगा, चातुर्य मास वर्षा ऋतु बताया गया था, और अग्राम क्या है ये आग्रम, आग्रमायण ऐसी कुछ यहाँ पे वर्ड दिया गया है। फिर नेक्स्ट अतिथि, अतिथि के बाद वैश्व देवम, ये छह प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं और यज्ञ का समय बताया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे अग्नि, सात प्रकार की अग्नि बोली गई है या जिह्वाएं बोली गई हैं, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूर्मवर्णा, सुफंगनी और विश्वरुचि, ये सात प्रकार की अग्नि है। तो इनका चक्रों से रिलेट यहाँ पर किया गया है। काली का चक्र कौन सा है, याद है किसी को? मूलाधार, मूलाधार। कराली का मूलाधार, मूलाधार स्वादिष्ठान। तो इस तरीके से आपका जाता रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सबसे लास्ट हो जाएगा सहस्रार चक्र। तो इस तरीके से इनकी सात जीवाओं के सात चक्र भी दिए गए हैं और कलर भी दिए गए हैं साथ में, कलर भी लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर विराट पुरुष दिया गया कि विराट पुरुष के शरीर में क्या क्या चीजें हैं। तो मस्तक है, दो नेत्र यहाँ पर बताए गए हैं, दो कान बताए गए हैं, वाणी है, प्राणी यहाँ पर बताए गए हैं, और हृदय और पैर, नहीं सॉरी ये प्राण हुआ, यहाँ पे वाणी, प्राण और हृदय और पैर यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट है फिर यहाँ पर जगत उत्पत्ति का एक और क्रम बताया गया है, इसमें सबसे पहले ब्रह्म है, ब्रह्म से फिर अग्नि है, अग्नि से फिर का सोम है, सोम से फिर मेघ है, मेघ से फिर वर्षा है, वर्षा से फिर औषधियां, औषधियों से वीर्य, वीर से फिर सिंचन, सिंचन से फिर संतान की उत्पत्ति। इस तरीके से जगत उत्पत्ति का ये क्रम बताया गया है। फिर यहाँ पर भी हमें ध्यान का लक्ष्य यहाँ पर बताया गया है, जो ध्यान का बताया गया है, तो इसमें जो लक्ष्य है वह ब्रह्म है, उ जो है आपका धनुष जो है वह धनुष ओमकार है, और जो बाण है वह आत्मा यहाँ पर बताई गई है। फिर यहाँ पे ब्रह्म से उत्पन्न चीजें बताई गई हैं, ब्रह्म से क्या क्या चीजें उत्पन्न होती हैं, तो यहाँ पर सात प्राण बताए गए हैं, सात अग्नियां बताई गई हैं, सात संविधाएं बताई गई हैं, सात यज्ञ यहाँ पर बताए गए हैं, सात लोक बताए गए हैं, और संवत रूप यहाँ पर बताया गया है ब्रह्म से उत्पन्न। तो ये हो गया आपका मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में आपके ये सबसे छोटा है, इसमें ओमकार चार चरण दिए गए हैं, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञा और अध्यात्म। तो जो वैश्वानर है वह अग्नि है, तेजस क्या है, ज्योति है, प्राज्ञा क्या है, बुद्धि है, द्वैत क्या है, शून्य और एकात्म भाव को बताया गया है। फिर यहाँ पे ओमकार की चार मात्राओं का वर्णन मिलता है, कौन कौन सी चार मात्राएं होगी, अ, उ, म और अ मात्रा यहाँ पर बताई गई है। फिर ओमकार चार अवस्थाएं,
जागृत स्वप्न सुषुप्ति और क्रिया, ये चार अवस्थाएं यहाँ पर बताई गई हैं। फिर ओम ब्रह्म की तीन भोग यहाँ पर बताए गए हैं। तीन भोग कौन कौन से बताए गए हैं? आपका शरीर है, अंग है और जो ब्रह्म का तीन भोग है। तो शरीर है, संपूर्ण जगत को शरीर कहा गया है। फिर यहाँ पर अंग है, सात लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जो हमारे भू भौ स्व, जो हमारे सात लोग हैं, वे सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। फिर यहाँ पे मुख बताए गए हैं, ब्रह्म के 19 मुख यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें से पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच प्राण और चार अंतकरण आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पर ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। पर ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? शिवम है या शिवाय है, देख लेते। शिवम सर्वज्ञ है, अग्राह है, अचिंत, अलक्षणम, अलक्षणम बनाया गया, अद्वितम, अत्य, पर्यासम, अदृष्टम और एकात्म प्रियत, ये यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पे ये वाली आपकी श्लोक भी मिलता है यहाँ पर आपका मुंडको उपनिषद में। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद में परमात्मा द्वारा लोगों का सृजन किया, सृजन की बात हुई है। इसमें अब, मरीचि, मर और आप, ये तीन लोग आपके लोगों का बताया गया। अब मतलब कौन सा लोक है? स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक। मरीचि? अंतरिक्ष लोक। अंतरिक्ष लोक। मर मतलब पृथ्वी, पृथ्वी लोक, पृथ्वी। और आप मतलब पाताल लोक। पाताल लोक। ये लोग बताए गए हैं, उनके नाम अलग अलग हैं यहाँ पे, अब, मरीचि, मर और आप। फिर यहाँ पे परमात्मा ने, परमात्मा से क्या बोलते, परमात्मा ने जल से एक पुरुष हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति की है। यहाँ पर उत्पत्ति करने की है परमात्मा ने, और उस पुरुष का नाम है हिरण्यगर्भ। यहाँ पे आठ लोकपाल की रचना बताई गई है। आठ लोकपाल की रचना है, तो इसमें सबसे पहले नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है नासिका छिद्र, थर्ड नंबर पे आ जाता है आंख के छिद्र, फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं कर्ण के छिद्र, फिफ्थ पे आ जाती है त्वचा, सिक्स पे आ जाता है हृदय, सेवंथ पे आपका नाभि, और एट पे आ जाता है आपका लिंग। इस तरीके से बताया गया। फिर परमात्मा द्वार में रचा गया शरीर, जो परमात्मा के द्वारा जो रचा गया शरीर है वो बताया गया है। तो तीन यहाँ पे शरीर बताए गए हैं, एक तो गाय का शरीर है, अश्व का है, और पुरुष का स्वरूप यहाँ पर दिया गया है। फिर है नेक्स्ट, त्रय मतलब क्या है? पर ब्रह्म का जो स्वरूप है तीन तरीके से, तो हृदय में, परम धाम में और संपूर्ण ब्रह्मांड में बताया गया। हृदय में परम धाम, आवाज नहीं आ रही है, चेंज करना पड़ेगा। चलिए मैं फिर अपना, एक दो मिनट दीजिए मुझे, मैं जगह चेंज करती हूँ।
हेलो, आवाज आ रही है? यस यस मैम। तो हम त्रय स्वप्न पे थे। तो त्रय स्वप्न तीन प्रकार से यहाँ पे बताए गए हैं, हृदय गुहा या ब्रह्म के बारे में, परम धाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में। परम धाम में कुछ चीजें बताई गई हैं, सत्य है, गौ है, ब्रह्म है और आपका हो जाएगा यहाँ पर साकेत, यहाँ पे दिया गया है कैलाश। साकेत है या कुछ और है, अभी याद भी नहीं है मुझे, किसी को पता है तो बता दे। फिर यहाँ पे द्वितीय अध्याय में जो वर्णन हमें मिलता है, तो जीव के जन्म का यहाँ पर वर्णन है। जीव के जन्म किस तीन चीजों से यहाँ पर बताया गया, एक तो वीर्य से, फिर प्रसव से और फिर आत्मा। आयु के पूर्ण होने पर जब मृत्यु होती है तो वह बताया गया जीव के जन्म के बारे में। फिर तृतीय अध्याय में परमात्मा शक्ति का यहाँ पर वर्णन मिलता है। परमात्मा की जो शक्ति है इसमें हृदय, मन, सम्यक ज्ञान, अज्ञान, प्रज्ञान, मेघा, दृष्टि, धृति, मनीषा, बुद्धि, ये सारी क्या है, परमात्मा की शक्तियां यहाँ पर बताई गई हैं। फिर यहाँ पर आत्मा, आत्मा क्या है, प्रज्ञान स्वरूप यहाँ पर बताया गया है और प्रज्ञान में क्या क्या चीज समाहित है में बताई गई है। इंद्र है, प्रजापति है, पंचभूत है, बीज रूप है, पिंड रूप है, गो है और अश्व है, ये सारी चीजें प्रज्ञान में संबंध है। प्रज्ञान क्या है, प्रज्ञान मीन्स ब्रह्म को यहाँ पर प्रज्ञान भी बोला गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका तैत्रीय उपनिषद। तैत्रीय उपनिषद में आपके पंचकोश का वर्णन है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पंचकोश का वर्णन किसमें है, तो आपको याद रहना चाहिए तैत्रीय उपनिषद में। और वल्लियां किसमें दी गई हैं आपकी, तैत्रीय उपनिषद में। तो इसमें तीन वल्लियां हैं, तीन वल्लियां हो जाएगी आपकी, शिक्षा वल्ली, ब्रह्म वल्ली और भृगु वल्ली। तो इसमें बाद में अनुवाक है, तो इसमें 12 अनुवाक है शिक्षा वल्ली में, ब्रह्म नंद वल्ली में 9 अनुवाक है, जो भृगु वल्ली है भृगु वल्ली में आपके 19 अनुवाक दिए गए हैं। और जो आपकी शिक्षा वल्ली है, शिक्षा वल्ली की जो सार वस्तुएं हैं उसमें 6 चीजें आ जाती हैं, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संधि, ये चीजें आपकी शिक्षा वल्ली में आ जाती है। नेक्स्ट है इसमें 5 महासंहिता या अधिकरण दिए गए हैं, ये कौन कौन से हैं, अधिलोक, अधिज्योति, अधिविद्या और अधिप्राज्ञा और अध्यात्म, ये इसकी 5 महासंहिता और अधिकरण यहाँ पर बताए गए हैं। फिर ये 4 विहिता, 4 विधियों में 16 प्रकार से दिए गए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे भू, भव, स्व, मोह, यहाँ पे 4 ये विधियां हैं। इसमें भू में क्या क्या चीजें, पृथ्वी है, अग्नि है, ऋग्वेद है, प्राण है। भाव में क्या है, अंतरिक्ष है, वायु है, युज है, अपान है। स्व में क्या है, स्वर्ग है, आदित्य है, युज है, व्यान है। मह में क्या है, आदित्य है, चंद्रमा है, अर्थव है और अन्य यहाँ पर बताया गया है। फिर आगे 3 ताप की बात हुई है यहाँ पर, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 तरीके से ताप बताए गए हैं। और फिर नेक्स्ट है ओम की महिमा बताई गई है, ओम ही ब्रह्म यहाँ पर बताया गया, ओम को ही ब्रह्म है। फिर जो ब्रह्मानंद वल्ली है, ब्रह्मानंद वल्ली में पंचकोशों का वर्णन आ जाता है। फिर यहाँ पर महा, महा व्यक्ति को महाचमक के पुत्र ने जाना, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले किसने जाना, तो महा, महा को व्याति के महाचमक के पुत्र ने यहाँ पर जाना है। फिर जो भृगु वल्ली है, भृगु वल्ली में ब्रह्म प्राप्ति के साधन बताए गए हैं। कौन कौन से साधन है, तो अन्न है, प्राण है, चक्षु है, श्रुति है, चक्षु और श्रुति, मन और वाणी यहाँ पर बताया गया है। इससे ब्रह्म के ये साधन है, ब्रह्म प्राप्ति के साधन। नेक्स्ट आ जाता है आपका छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में आपकी शाण्डिल्य विद्या है, इसका ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जो है प्रथम खंड में अध्याय में ओम की उपासना के लिए बताया गया या उसकी व्याख्या यहाँ पर कहा गया है। संपूर्ण पाणियों का जो रस है वह पृथ्वी, पृथ्वी का जो रस है वह जल है, जल का जो रस है वह औषधियां रूप में, औषधियों का जो रस है पुरुष, पुरुष का जो रस है वाक, वाक से हो जाएगा आपका साम, साम से उद्गीर,
और उत्कीर्त का फल ऋक या मात्रा यहाँ पर बताई गई है। फिर यहाँ पे मुख्य प्राण के अन्य नाम भी दिए गए हैं, जो मुख्य प्राण है इनके नाम है अंगिरस, बृहस्पति, आस्यास्य और वक्। ये चार मुख्य प्राणों के अन्य नाम यहाँ पर बताए गए हैं। फिर उद्गीत शब्द में का अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि उद्गीत में क्या है, उत्त जमा गी जमा थ बताया गया है। उत्त मतलब प्राण, ध्यो आदित्य और साम, की मतलब आपका हो जाएगा वाणी, अंतरिक्ष वायु युज, और थ मतलब क्या हो जाएगा अन्न, पृथ्वी, अग्नि और ऋग्वेद। फिर यहाँ पर शाडिल्य विद्या का वर्णन मिलता है। शाडिल्य विद्या मतलब ब्रह्म को जानने की, तो यहाँ पे ब्रह्म को जलान भी कहा गया है। ज मतलब हो गया जन्म, ला मतलब हो गया लीन, और न मतलब हो गया प्राण। ब्रह्म का स्वरूप कहाँ है, ब्रह्म के स्वरूप को बताया गया, उसका स्थान बताया गया है हृदय गुहा में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे आयु का स्वरूप 116 वर्ष यहाँ पर बताया गया है। और फिर यहाँ पर धर्म के तीन स्कंद यहाँ पर बताए गए हैं, तीन चीजें यज्ञ, अध्ययन और दान। सेकंड नंबर पे तप को बताया गया है, थर्ड नंबर पे दीक्षा, दीक्षा मतलब धैर्य को यहाँ पर बताया गया है। धर्म के तीन स्कंद यहाँ पर बताए गए। लास्ट आ जाता है आपका वृद्धारण। वृद्धारण में संवाद हमें मिलता है, सबसे बड़ा ये उपनिषद है वृद्धारण, और इसमें संवाद मिलता है हमें याग्वल्य और मैत्री का, याग्वल्य और गार्गी का, और याग्वल्य और जनक जी का। तो ये तीन इसमें संवाद हमें मिलते हैं। और इसमें प्रसिद्ध प्रार्थना है अस्तोमा सद्गम्य सद्गम्य वाली, और ये पूर्ण मिदम वाली, जो दो हमारे मंत्र हैं, ये इस दोनों प्रसिद्ध जो प्रार्थना है और ये जो मंत्र है, ये हमें वृद्धारण उपनिषद में मिलते हैं। तो यहाँ पे पुरुष की काया के बारे में कहा गया है। पुरुष की काया यहाँ पे अर्ध विग्र बुलाई गई है, अर्ध अर्धांगन इस तरीके से बताई गई है। और पुरुष के तीन अन्य यहाँ पर बताए गए हैं, मन प्राणी, मन वाणी और प्राण को बताया गया है। तीन लोक यहाँ पर बताए गए हैं, मनुष्य पितृ और देव को यहाँ पर बताया गया है। और जितने भी हमारे मुख्य उपनिषद हैं, मुख्य उपनिषदों में प्राणायाम की चर्चा हमें वृद्धारण उपनिषद में मिलती है। यहाँ पे रेचक और पूरक बताया गया, रेचक और पूरक को यहाँ प्राणायाम कहा गया है, और इसका फल बताया गया है पाप रूपी मृत्यु से यहाँ पे छुटकारा हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के लिए बताया गया दर्शन, श्रवण, मनन और निध्यासन, इन चीजों से आपको आत्मज्ञान होता है। और फिर आत्मा और परमात्मा की एकता, एकात्मकता के लिए बताया है। आत्मा के लिए यहाँ नेति नेति वर्ड यूज किया गया है, आत्मा को यहाँ पे नेति नेति कहा गया है। और लास्ट में आत्मा जीवों का मधु, और जीव को कहा गया है आत्मा का मधु, इस तरीके से बताया गया। अभी आवाज ठीक आ रही है? यस मैम। जी तो ये आपके हो गए हैं मुख्य उपनिषद। और नेक्स्ट मैम ये लास्ट में क्या बोले, ये लास्ट में क्या बोले, जीव आत्मा करके क्या बोले? आत्मा जीवों का मधु, मधु मतलब ऐसे शहद होता है, जीवों का मधु है, जीव आत्मा का मधु है। ओके मैम। नेक्स्ट हम भगवत गीता कर लेते हैं। तो इसमें जो इसके रचयिता हैं भगवत गीता के, वेद व्यास हैं, और काल इसका 400 ईसा पूर्व है। श्लोक इसमें 700 श्लोक दिए गए हैं। पर्व यहाँ पर भीष्म पर्व से 23 से 40वें श्लोक में हमें मिलता है छंद।
और पर्व में मिलता है हमें 23 से 40वें पर्व में। और फिर अध्याय 18 यहाँ पर बताए गए हैं, अलंकार 14 है, छंद इसमें 4 बताए गए हैं। इसमें अलंकार कौन कौन से आते हैं आपके, रूपक और उपमा अलंकार दिए गए हैं, रूपक और उपमा अलंकार दिए गए हैं। जो छंद है इसमें अनुष्टुप छंद का वर्णन हमें मिलता है। फिर यहाँ पर प्रस्थान त्रयी की बात की गई है, प्रस्थान त्रयी मतलब होता है मोक्ष की तरफ गमन, मोक्ष की तरफ जाना। इसमें प्रस्थान त्रयी में 3 चीजें आ जाती हैं, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र। उपनिषद मतलब श्रुति प्रधान हो जाता है, भगवत गीता स्मृति प्रधान हो जाता है और ब्रह्म सूत्र आपका न्याय प्रस्थान हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा पर्व जो है ये है आपका शांति पर्व, सबसे ज्यादा इसमें श्लोक बताए गए हैं। और शांति पर्व में विष्णु सहस्त्रनाम है। एक बार क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है कि विष्णु सहस्त्रनाम कौन से पर्व से लिया गया है, तो ये आंसर आपका शांति पर्व से लिया गया है। और यहाँ पे महाभारत का जो आपका समय है वे 18 दिन है और युद्ध का समय स्थान आपका कुरुक्षेत्र यहाँ पर बताया गया है। भगवत गीता के अन्य नाम यहाँ पर बताए गए हैं, उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र यहाँ पर बताया गया है। योगेश्वर मतलब होता है शिव और योगीश्वर मतलब होता है श्री कृष्ण। नेक्स्ट अध्याय 3 भागों में बांटा गया है। हमारे कितने अध्याय हैं भगवत गीता में? 3 भाग में मैम। कितने? 3 भाग में, कर्मयोग, ज्ञान योग। 18 अध्याय। 18 अध्यायों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 1 से 6 अध्याय जो है आपके कर्म योग है, 7 से जो 12 अध्याय है वे भक्ति योग है, और 3 से 18 जो अध्याय में ज्ञान योग बताए गए हैं। जो आपका मस्तिष्क है, मस्तिष्क को यहाँ पर ज्ञान योग बोला गया है। जो आपके हाथ पैर है ये कर्म योग बताए गए हैं, और जो आपका हृदय है, हृदय को यहाँ पर भक्ति योग कहा गया है। फिर योग की मुख्य परिभाषाएं यहाँ पर हमें मिलती हैं। समत्त योग उच्चते 248 दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में है। योगः कर्मसु कौशलम दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में है। तम विद्या दुख संयोगे वियोगे ये आपके 6 अध्याय के 23वें श्लोक में हमें यहाँ पर वर्णन मिलता है। तो इनको अच्छे से कर लेना ये परिभाषाएं। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन से अध्याय के कौन से श्लोक से ली गई है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका हो जाएगा अब इनका अध्याय के नेम। अध्याय के नेम से यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है सीक्वेंस में लगाने के लिए। तो इसकी ट्रिक है शॉर्ट आसान। तीसरा कौन सा बताया था आपने? समत्व योग उच्चते, योग कर्मसु कौशलम और 6 अध्याय का 23वां श्लोक, तम विद्या दुख संयोगे वियोगे। ओके मैम। नेक्स्ट है आपके 18 अध्याय। 18 अध्याय का यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले असांख, ज्ञाक, आज्ञा, अराबी, विभुशेगु, उदयश्रमक ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। इसमें सबसे पहले अ, अ से हो जाएगा अर्जुन विषाद योग। इसमें 47 श्लोक है। फिर स से हो जाएगा आपका सांख्य योग। इसमें 72 श्लोक है। क से हो जाएगा कर्म योग। फिर गाग से हो जाएगा आपका ज्ञान योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग। क से हो जाएगा कर्म संन्यास योग। फिर आ से आत्म संयम योग, ज से ज्ञान विज्ञान योग हो जाएगा। फिर अ से अक्षर ब्रह्म योग, रा से आ जाएगा 9th नंबर पे आपका आ जाएगा राजविद्या राजभुआ योग, बी से आ जाएगा आपका विभूति योग, फिर दोबारा विभु है, विभु से आ जाएगा विश्व रूप दर्शन योग, भ से हो जाएगा आपका भक्ति योग, श से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गु से आ जाएगा आपका गुणतय विभाग योग, उ से आ जाएगा आपकी पुरुषोत्तम योग और पुरुषोत्तम योग, द से हो जाएगा दैवासुर संपदा योग, श्र से हो जाएगा श्रमात्रय विभाग योग, यो से मो से हो जाएगा मोक्ष संन्यास योग। यहाँ पे श्लोकों की आपके जितने भी श्लोक हैं उनके संख्या दी गई है। कर्म योग में 47, ज्ञान कर्म संन्यास योग में 42, 5th अध्याय में 29, 6 में 47, ज्ञान विज्ञान योग में 30, अक्षर ब्रह्म में 28, राज विद्या राजगुहा योग में 34, विभूत योग में 42, विश्व रूप दर्शन योग में 27, भक्ति योग में 20, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग में 24, गुणत्रय विभाग में 28, पुरुषोत्तम में 20, देवासुर में 24, श्रद्धात्रय विभाग में 28 और मोक्ष संन्यास में हो जाएंगे आपके 78। ये हो गया आपका 18 अध्यायों का शॉर्ट ट्रिक और 18 अध्याय।
तो इनके नेम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और इनका क्रम भी। सबसे पहले आपका अध्याय आ जाता है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग में आपके 47 मंत्र हैं, तो यहाँ से ही महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध में शंख के नाम बताए गए हैं आपके फर्स्ट अध्याय में, और ये अध्याय पहले अध्याय के 15वें श्लोक में बताए गए हैं। कृष्ण जी का जो शंख है उसका नाम पांचजन्य है, और जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर का जो शंख है उसका नाम अनंत विजय है। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है, नकुल के शंख का नाम सुघोष है, भीमसेन का पौंड्र, और सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्प यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव भी बताया गया है। यहाँ पर क्या होता है, अर्जुन का शोक होता है और वर्ण संकर्षण भी यहाँ पर हमें मिलता है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड सांख्य योग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है, जो इसमें 72 आपके श्लोक है, इसमें से आपके 15 से लेके 25 तक जो आपके श्लोक है इसमें आत्मा का वर्णन किया गया। आत्मा कैसी है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, आत्मा अजन्मी, नित्य, सनातन, पुरातन, नाश रहित और शाश्वत हो गया आपका सनातन शाश्वत, अमर है, अव्यव है, अव्यव मतलब जो कभी ना बदले, ना कोई इसे मार सकता है, ना इसे यह जन्म लेती है, नए वस्त्र बदलती है उसी की भांति ये आत्मा, और ना छिद्यंती, ना कोई इसे छेद सकता है, ना शास्त्र ने इसे शास्त्रों से ना शास्त्रों से इसे कोई शस्त्र से काट सकता है, ना दहती, ना जला सकता है, ना पाप का ना भिगा सकता है, ना क्लेदिति, क्लेद मतलब सुखाना शायद, अशोष्य हो जाता है, क्लेदिति मतलब अगेन बताएं, आत्मा छेद नहीं, मैं मुझे लगा किसी चीज़, हाँ क्लेत और अशोष्य, नित्य, सर्वव्यापी, अचल है, स्थिर है, सनातन है, अव्यक्त है, अचिंत है और विकार रहित यहाँ पर बताई गई है। फिर यहाँ पर स्थित प्रज्ञ भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं एक दो बार। तो स्थित प्रज्ञ की जो हमें वर्णन मिलता है 54 श्लोक से 72 श्लोक तक हमें मिलता है। तो स्थित प्रज्ञ कैसे है, समस्त कामनाओं को जिसका त्याग हो गया हो, आत्मा से आत्मा में जो संतुष्ट हो, ना दुख में उद्वेग हो, ना सुख में राग हो, राग भय क्रोध जिसका नष्ट हो गया हो, शुभ और अशुभ में ना शोक हो, ना सुखी में, ना शुभ होने पर, ना अशुभ होने पर जिसे शोक हो, ना हर्ष होने पर कुछ दिख हो, और फिर यहाँ पे कछुए की भांति इंद्रियों को समेट लेता है जो स्थित प्रज्ञ होता है। यहाँ पे कछुए का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। फिर स्थित प्रज्ञ की दो विशेषताएं हैं, राग द्वेष से जो रहित होता है और इंद्रियों से जो विमुक्ता जिसकी हो। ये क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, स्थित प्रज्ञ की क्या विशेषताएं होती है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है आपके, इसमें बुद्धिनाश क्रोध क्यों आता है, ये इसका सीक्वेंस यहाँ पर है। तो सबसे पहले विषयों का चिंतन, संस्कृत में भी है, संस्कृत में आ रहा है आजकल, तो उसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। विषयों का चिंतन, विषयों के चिंतन से विषयों में आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश या बुद्धि का नाश। फिर पुरुषों की अपनी स्थिति से वह गिर जाता है या उसे क्रोध आ जाता है। क्रोध तो क्रोध क्यों आता है, इसका सीक्वेंस था, या बुद्धि नाश का ये क्रम है। फिर योगी पुरुष का दिन कब होता है, जब सबकी निशा होती है, मतलब जब सबकी रात होती है, और योगी पुरुषों का रात कब होती है, जब सभी लोग जागते हैं तब योगी पुरुष की रात होती है, यहाँ पर बताया गया है। फिर सेकंड में हमें सांख्य योग का वर्णन आता है, सेकंड अध्याय में ही। सांख्य का अर्थ है गणना, जिससे तत्वों की संख्या का वर्णन हो, तत्वों की विवेचना का कारण ही ज्ञान योग है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। फिर आ जाता है आपका थर्ड अध्याय। थर्ड अध्याय में कर्मयोग हमें मिलता है। कर्मयोग के दो यहाँ पर दो विषय हैं इसमें, एक तो कर्मयोग है, एक लोक संग्रह है। तो कर्मयोग दो प्रकार की यहाँ पे निष्ठा बताई गई है तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में। तो सांख्य योग की जो निष्ठा होती है वह ज्ञान योग के द्वारा होती है, और योगियों की कर्मयोग से यहाँ पर बताई गई है। फिर यहाँ पे कर्म का सिद्धांत बताया गया है कि
बिना कर्म के व्यक्ति रह नहीं सकता और जो कर्म का फल अवश्य मिलता है, मतलब कि यहाँ पे कर्म का सिद्धांत दिया है, बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता और उस कर्म का फल अवश्य ही मिलेगा। श्रेष्ठ कर्म किसे बताया गया? अनासक्ति भाव से किए गए कर्म को श्रेष्ठ कर्म यहाँ पर बताया गया है। लोक संग्रह क्या होता है? श्रेष्ठ व्यक्ति बनना जिससे कि लोग आपसे कुछ सीख सके, जैसे राजा जनक हैं, जैसे कृष्ण हैं, जो ये उदाहरण देते हैं कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, इस लोक संग्रह की बात यहाँ पर की गई है। फिर यहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम दिया गया है, प्राणी, प्राणी से अन्न, अन्न से वृष्टि, वृष्टि से यज्ञ, यज्ञ से विहित कर्मों में नित्य, और फिर वेद शास्त्रों से, और फिर अविनाशी परमात्मा को यहाँ पर बताया गया। अगेन, प्राणी, प्राणी से अन्न, अन्न से वृष्टि, वृष्टि से यज्ञ, यज्ञ से विहित कर्म, विहित मतलब जो नित्य कर्म होते हैं उनको, फिर वेद शास्त्रों से, और फिर अविनाशी परमात्मा। फिर यहाँ पर धर्मचारी मिथ्याचारी तृतीय अध्याय में मिलता है कि धर्मचारी मिथ्याचारी क्या है, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। इंद्रियों को जो हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से और इंद्रियों से विषयों का जो चिंतन करता है, ऊपरी मन से तो दिखाता है कि उसने इंद्रियों को रोक लिया है, मगर मन से व इंद्रियों से अपने विषयों को दूर नहीं कर पाता है। फिर यहाँ पर गीता यज्ञ की बात है, इसमें दो तरह के यज्ञ बताए गए, एक शारीरिक और एक मानसिक। फिर स्क्रीन ठीक है, बड़ी करनी है। आवाज आ रही है ना मेरी? जी मैम। जी मैम। फिर यहाँ पर अर्जुन क्वेश्चन करते हैं, किससे प्रेरित होकर मनुष्य पाप का आचरण करता है? तो कृष्ण कहते हैं रजोगुण से, रजोगुण से मनुष्य पाप का आचरण करता है। रजोगुण में क्या उत्पन्न होते हैं? काम क्रोध और काम क्रोध उत्पन्न होते हैं रजोगुण से, और बहुत खाने वाले भौतिक जगत में बड़ा ही पापी यहाँ पर बताए गए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट में आपका सीक्वेंस आता है, आग से ढक जाता, आग ढक जाता है धुएं से, धुआं ढक जाता है, शीशा, शीशे से ढक जाता है, नहीं, आग ढक जाता है धुएं से, शीशा ढक जाता है धूल से, आग ढक जाता है धुएं से, शीशा ढक जाता है धूल से, और धूल से ज्ञान, और ज्ञान से कर्म, और काम, काम के वासना के साथ इंद्रिय मन और बुद्धि यहाँ पर बताई गई है, और जीवात्मा को जो मोहित करती है। फिर यहाँ पे श्रेष्ठता का क्रम बताया गया है, शरीर, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा यहाँ पर बताई गई है। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे योग की परंपरा बताई गई है कि योग का ज्ञान हमें कैसे मिला है, ये सीक्वेंस भी आपका आ जाता है। तो सबसे पहले ये ज्ञान कृष्ण, कृष्ण से सूर्य को गया, सूर्य से मनु, मनु कौन है? सूर्य के पुत्र है। मनु से इश्वाकु, इश्वाकु कौन है? मनु के पुत्र यहाँ पर बताए गए हैं इश्वाकु, और इश्वासु के राज ऋषियों तक ये है ज्ञान प्राप्त हुआ है, योग का जो ज्ञान है। फिर यहाँ पे कर्म के प्रकार बताए गए हैं, चौथे अध्याय में कर्म के प्रकार तीन प्रकार से बताया गया है, क्रिया, गुण और वर्ण के आधार पर। क्रिया के आधार पर कर्म कौन कौन से हैं? कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म मतलब सकाम, सकाम मतलब कामना से किए हुए कर्म। विकर्म मतलब निषिद्ध, जो हमें नहीं करने चाहिए। अकर्म मतलब निष्काम, बिना आसक्ति के जो कर्म होते हैं उन्हें कहा गया है। तो तीन प्रकार के कर्म, कर्म, विकर्म और अकर्म। फिर आ जाते हैं गुण के आधार पर कर्म कौन से होते हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक यहाँ पर बताए गए हैं। वर्ण के आधार पर हो जाते हैं, वर्ण के आधार पर नीचे, सात्विक मतलब होते हैं निष्काम कर्म, राजसिक मतलब सकाम कर्म, और तामसिक मतलब निषिद्ध, जो हमें नहीं करने चाहिए। वर्ण के जो है, वर्ण के नीचे आ जाते हैं, वर्ण मतलब सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण के आधार पर कर्म कौन से हो जाएंगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के कैसे होते हैं? शम, दम, क्षमा, तप, शुद्धि और ज्ञान वाले बताए गए हैं। क्षत्रिय के धृति और शूरता वाले बताए गए हैं। फिर यज्ञ के यहाँ पे चार प्रकार बताए गए हैं, द्रव्य, द्रव्य मतलब दान, तप, भोग और ज्ञान, ज्ञान मतलब स्वाध्याय करना। और श्रेष्ठ क्या बताया गया? ज्ञान को यहाँ पर श्रेष्ठ बताया गया है, ज्ञान यज्ञ को।
फिर यहाँ पे आ जाते हैं संन्यास। संन्यास योग क्या है? कर्म अकर्म को जो देखता है, कर्म अकर्म में जो देखता है, अकर्म में जो कर्म को देखता है, योगी समस्त कर्मों को करने वाला होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट 4 अध्याय में बताया गया अवतार कब होता है, धर्म की हानि होने पर, अधर्म की वृद्धि होने पर, साधुओं का उद्धार करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए ईश्वर का अवतार होता है। ये 4 फिर यहाँ पर चतुर अध्याय में ही प्राणायाम का वर्णन यहाँ पर मिलता है। योगी जन प्राण और अपान का हवन करते हैं, प्राण व अपान की गति को रोककर प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। इसे ही यहाँ पे प्राणायाम की डेफिनेशन दी है, प्राण और अपान का जो हवन करते हैं। फिर यहाँ पर तत्काल भगवत प्राप्ति का साधन बताया गया, किसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? जितेंद्र, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जो साधन परायण हो, श्रद्धावान हो, ज्ञानवान हो, और फिर उससे परमात्मा, परमात्मा की प्राप्ति यहाँ पर बताई गई है। फिर आ जाता है आपका कर्म संन्यास योग, यहाँ पर स्थिर बुद्धि की बात हुई। स्थिर बुद्धि कौन है? जो प्रिय से हर्षित ना हो, अप्रिय से उद्विग्न ना हो, स्थिर बुद्धि, संशय रहित, ब्रह्मवेता, पुरुषी, एक ही भाव से जो नित्य है, उसे स्थिर बुद्धि यहाँ पर कहा गया है। फिर यहाँ पे ध्यान के बारे में बताया गया है, ध्यान किस तरीके से करना है। 12 विषय भोगों का चिंतन नहीं करना। इसमें 12 विषय भोग कौन कौन से हैं? 2 नाक, 2 कान, 2 आंख, 1 मुंह, गुदा, उपास और 3 गुण को यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पर ध्यान के लिए दृष्टि कैसी रखनी है? भूमध्य दृष्टि रखने के लिए कहा गया है। 3rd नंबर पे प्राण और अपान को सम करने के लिए कहा गया है। जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीत ली है, वह इच्छा, भय, क्रोध और भय और क्रोध से रहित हो गया है, ऐसा यहाँ पे ध्यान का वर्णन हमें मिलता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है 6th अध्याय। 6th अध्याय में हमें योगारूढ़ के बारे में बताया गया है। योगारूढ़ साधक, योगारूढ़ कौन है? जिस समय ना इंद्रियों के भोग में, ना आसक्त कर्मों में, सभी संकल्प जिसने त्याग दिए हो, वह योगारूढ़ साधक कहलाता है। जिस समय ना इंद्रियों के भोग में, ना आसक्त कर्मों में, सभी संकल्प त्याग दिए हो, वह योगारूढ़ कहलाता है। फिर योग का स्थान यहाँ पर बताया, योग का स्थान कैसा होना चाहिए? शुचो देशो, मतलब शुद्ध भूमि होनी चाहिए, जो ना बहुत ऊंची हो ना नीची हो। फिर यहाँ पर आसन का वर्णन है। ये आसन का सीक्वेंस आ जाता है, सबसे पहले पुष के बाद मृगछाल के बाद वस्त्र यहाँ पर बिछाने के लिए कहा गया है। फिर आसन पर बैठकर चित्त, इंद्रियों और वश को, मन को एकाग्र करना है, अंतकरण की शुद्धि का अभ्यास करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। फिर यहाँ पर स्थिति कैसी होनी चाहिए? काया, सिर, गले को समान अचल धारणा करके स्थिर, नासिका, दृष्टि और अन्य दिशाओं में नहीं देखने के लिए यहाँ पर कहा गया है 6th अध्याय में। फिर 6th ही अध्याय में हमें यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ जाता है, योग किसका सिद्ध नहीं होता है? अधिक खाने वाले का, बिल्कुल ना खाने वाले का, बहुत शयन करने वाले का, और सदा जागते रहने वाले का। और योग किसका सिद्ध होता है? युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त सोना और युक्त कर्म करने वाले का योग सिद्ध हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। फिर योगी ध्यान युक्त के चित्त की तुलना वायु रहित स्थान में दीपक से की गई है। और योगियों में श्रेष्ठ यहाँ पर कौन है? जो ईश्वर नित्य जो भजता रहता है, वह योगियों में श्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे मनोनिग्रह के साधन है। मनोनिग्रह के 2 साधन कौन कौन से हैं? अभ्यास और वैराग्य। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, मनोनिग्रह के साधक क्या है? तो गीता के अनुसार अभ्यास और वैराग्य को मनोनिग्रह के साधन बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका 7th, ज्ञान विज्ञान। ज्ञान विज्ञान योग, इसमें आपके प्रकृति और विकृति के बारे में बताया गया है। मूल ब्रह्म स्वरूप को बताया गया है। दुर्जन मनुष्य के प्रकार यहाँ पर बताए गए और भक्त के प्रकार बताए गए। प्रकृति और विकृति, प्रकृति 2 प्रकार से यहाँ पर बताई गई है, परा और अपरा प्रकृति। अपरा में आपकी जड़ प्रकृति को बोला गया है, 8 प्रकार से होती है। जो अपरा प्रकृति होती है, इसमें पृथ्वी, पवन, जल, तेज, आकाश, ये 5 महाभूत आ जाते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। इस तरीके से ये जड़ प्रकृति यहाँ पर
बताई गई है। नेक्स्ट है अपरा, अपरा में चेतन प्रकृति संपूर्ण जगत को कहा गया है। नेक्स्ट आपका था यहाँ पर मूल ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप कैसे है, तो जो चंद्रमा सूर्य में जो प्रकाश है वह ब्रह्म है, संपूर्ण वेदों में ओमकार ब्रह्म है, आकाश में शब्द ब्रह्म है, पुरुषों में पौरुष ब्रह्म है, पृथ्वी में गंध ब्रह्म है, अग्नि में तेज ब्रह्म है, प्राणियों में प्राण ब्रह्म है, तपस्वियों में तप ब्रह्म है। ठीक है, यहाँ पे दुर्जन मनुष्य के प्रकार बताए गए हैं आपके सेवंथ में ही, तो जो आपके दुर्जन मनुष्य के प्रकार कैसे हैं, वह पापी होता है, श्रावण होता है, ज्ञान माया ने जिसका हर लिया हो वह पापी है, अधम में असुर बुद्धि वाला होता है। फिर ये आपका आठवें अध्याय का है, इसको हम बाद में देखेंगे। इसमें भक्त के प्रकार है, सेवंथ ही अध्याय में आपके भक्त के प्रकार है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भक्त के चार प्रकार है आपके गीता में बताए गए हैं, आर्थ, जिज्ञासु, आर्थी और ज्ञानी। आर्थ कौन से होते हैं, जो दुख के समय भगवान को याद करते हैं वे आर्थ होते हैं। जिज्ञासु, जिनमें ईश्वर को जानने की जिज्ञासा होती है वे जिज्ञासु होते हैं। आर्थी, किसी कामना से ईश्वर को याद करते हैं वे आर्थी होते हैं। और जो प्रिय होते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनको पाना चाहते हैं, वे ज्ञानी होते हैं। और ये आठवें अध्याय में यहाँ पे ब्रह्म के बारे में बताया गया, ब्रह्म का एक दिन कितना होता है, 1000 चतुर्युग के बारे बराबर होता है। ब्रह्म की रात्रि 1000 चतुर्युग के बराबर होती है और ब्रह्म के 24 घंटे 2000 चतुर्युग के बराबर होते हैं। फिर आपका आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, इसमें अर्जुन 5 प्रश्न पूछते हैं, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, ये 5 प्रश्न पूछते हैं। तो परब्रह्म ओम ब्रह्म है, अध्यात्म क्या है, जीवात्मा क्या है, अध्यात्म है, भाव त्याग कर्म को कहा गया है, अधिभूत क्या है, नश्वर जो भाव है वह अधिभूत कहा गया है, चेतन पुरुष या कृष्ण को यहाँ पर अधिदेव कहा गया है। फिर यहीं पर आपका क्वेश्चन आ जाता है, मृत्यु के समय 2 मार्ग बताए गए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार। तो यहाँ पे 2 मार्ग हैं, 2 काल बताए गए हैं, एक तो है देवयान और पितृयान। देवयान कैसा होता है, शुक्ल होता है, उत्तरायण होता है, मुक्तिदायक होता है और ब्रह्म की प्राप्ति होती है देवयान में। जो पितृयान है, पितृयान में कृष्ण है, दक्षिणायन है, पुनर्जन्म इसमें होता है और चंद्रलोक यहाँ पर इसको बताया गया है पितृयान में। योगी पुरुष को वेदों में पढ़ने वाला और यज्ञ तप दान करने के लिए कहा गया है, योगी पुरुष को वह सनातन परम पद को प्राप्त होता है जो यज्ञ तप दान करता है। आवाज आ रही है ना सही? जी मैम। फिर आ जाता है आपका 9th राज विद्या राजगुवा योग, इसमें ईश्वर की अपनी श्रेष्ठता को बता रहे हैं और इस संपूर्ण जगत का धाता, कर्मों का फल देने वाला, पिता माता पितामह जानने योग्य, पवित्र ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद मैं ही हूँ ऐसा बता रहे हैं ईश्वर। जो मुझमें समर्पित भाव से बसते हैं उनके धन संपत्ति और उनकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ईश्वर कब आपकी रक्षा करते हैं, तो कब करते हैं आपकी रक्षा, जो समर्पित भाव से उन्हें भजते हैं ईश्वर को, ये आ सकता है। इसको क्या बोला जाता है, योगक्षेम बोला जाता है, नई वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त हो चुकी वस्तु की रक्षा करना, इसको योगक्षेम कहा गया है। नेक्स्ट है दशम विभूतियां, यहाँ पर बताई गई हैं। फास्ट हो रहे हैं क्या, बताएंगे एक बार, ये ठीक है? ठीक है मैम। तो यहाँ पर दशम विभूतियां यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर मैंने कुछ मेन विभूतियां लिखी हैं, आप और भी अच्छे से याद कर सकते हैं। वेदों में मैं सामवेद हूँ, पर्वत में मैं सुमेरु हूँ, स्थिरता में मैं हिमालय हूँ,
सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, शासन में यमराज हूँ, शास्त्र शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, स्त्रियों में कीर्ति धृति वाक स्मृति मेधा मैं हूँ, गुप्त में मौन मैं हूँ, और यज्ञों में जप मैं हूँ, वृक्ष में पीपल मैं हूँ, घोड़ों में उच्च श्रवा मैं हूँ, दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ, अक्षरों में आकार मैं। इस तरीके से यहाँ पर विभूतियां बताई गई हैं। नेक्स्ट है 11th विश्व दर्शन रूप, यहाँ पर विराट स्वरूप के दर्शन होते हैं, कृष्ण के जो विराट स्वरूप है, तो इसमें पहले विराट स्वरूप के दर्शन होते हैं, फिर वह चतुर्भुज दर्शन देते हैं, शंख चक्र गदा पद का फूल यहाँ पर बताए गए, फिर उनका जो रूप हो जाता है दो भुजाओं वाला हो जाता है। फिर है नेक्स्ट है भक्ति योग, तो यहाँ पे भक्ति योग से आप ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं वे बताए गए हैं। तो इसमें अध्याय में कृष्ण ने भक्ति सकार को श्रेष्ठ बताया गया है, और श्लोक 6 में बताया गया है, सारे कर्म मुझ पे अर्पण करते हुए सगुण रूप परमेश्वर की जो भक्ति को यहाँ पर निरंतर चिंतन करते हैं, शीघ्र ही मृत्यु रूप संहार रूप समुद्र से उनका उद्धार हो जाता है, मतलब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। फिर यहाँ पे श्रेष्ठता का क्रम बताया गया है फिर से, तो इसमें सबसे पहले अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से परमेश्वर स्वरूप का ध्यान होता है, और फिर कर्म फल का त्याग से मन को परम शांति मिल जाती है। फिर यहाँ पर श्रेष्ठ भक्त की विशेषताएं बताई गई है कि श्रेष्ठ भक्त कैसा होता है, द्वेष भाव से रहित होता है, प्रेमी होता है, दयालु होता है, ममता से रहित होता है, अहंकार रहित होता है, सुख व दुख में सम होता है, क्षमावान होता है, अभयवान होता है, संतुष्ट मन इंद्रियों से संयमित, दृढ़ निश्चय, शत्रु मित्र मान अपमान से सम होता है, सर्दी गर्मी सुख दुख द्वंद्व से सम, आसक्ति रहित, निंदा स्तुति के समान मनन शीतल, ममता आसक्ति से रहित, ऐसा ही भक्त श्री कृष्ण को यहाँ पर प्रिय बताया गया है। नेक्स्ट है क्षेत्र विभाग योग, यहाँ से भी एक दो बार क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, तो अर्जुन इसमें 6 प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, और ज्ञेय क्या है। अर्जुन ये 6 प्रश्न पूछते हैं, तो इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बताया गया है। क्षेत्र मतलब होता है आपका शरीर, शरीर में हो गया आपके यहाँ पे 24 तत्व बताए गए हैं, इसको प्रकृति भी कहा गया है, तो इसमें कौन कौन से 24 तत्व आ जाते हैं, पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 इंद्रियों के विषय और इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति, ये आपके आ जाते हैं, सारे आपके किसमें आ जाते हैं, क्षेत्र में। और क्षेत्र के क्या है, शरीर को जो जानने वाला है, जो पुरुष है, जिसको हम पुरुष कहते हैं, उसको क्षेत्रज्ञ भी कहा जाता है। तो ये इसकी विशेषता यहाँ पर बताए गए हैं, सब ओर से हाथ पैर वाला बताया गया है, सब ओर से नेत्र वाला, सिर वाला, मुख वाला, सब ओर से कान वाला यहाँ पर बताया गया है क्षेत्रज्ञ को। इंद्रियों के विषय को जानने वाला, इंद्रियों से रहित, आसक्ति रहित होने पर सबका भरण पोषण करने वाला, निर्गुण होने पर भी गुणों वाला, भूतों में बाहर और भीतर सभी जगह रहने वाला बताया गया है क्षेत्रज्ञ को। फिर क्षेत्रज्ञ चर अचर सूक्ष्म अविज्ञ समीप में दूर में विष्णु रूप में धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप में संहार करने वाला और ब्रह्म रूप में उत्पन्न करने वाला कहा गया है क्षेत्रज्ञ को यहाँ पर। फिर ज्ञान और अज्ञान बताया गया है, ज्ञान क्या है, अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, परमात्मा को देखना ज्ञान है। अज्ञान क्या है, अध्यात्म ज्ञान तत्व ज्ञान के विपरीत जो ज्ञान है वह अज्ञान यहाँ पर बताया गया है। ज्ञेय मतलब क्या होता है, परमात्मा, अध्यात्म ज्ञान, आसक्ति रहित जो गुणातीत है वह परमात्मा है, मतलब कि ज्ञेय है। फिर आ जाता है चतुर्दश अध्याय गुण त्रय विभाग योग, इसमें 3 गुणों के बारे में चर्चा मिलती है। तो सबसे पहले गुण की बात करते हैं, प्रकृति उत्पन्न होने वाले 3 गुणों के, सत्व रज तम, तो इनके गुण क्या है, सत्व का गुण क्या है, ये निर्मल होता है, प्रकाशवान होता है, प्रकाश और अविकारी होता है। रज का क्या गुण है, राग है, तृष्णा है, कर्म प्रसंग है, कामना है और आसक्ति यहाँ पर बताई गई है। तम क्या है, अज्ञान, अज्ञान तम का गुण क्या है, अज्ञान है। फिर उत्पन्न किससे होता है, सत्व किससे उत्पन्न होता है, ज्ञान से।
रज किस पे उत्पन्न होता है? लोभ से। और तम किससे उत्पन्न होता है? मोह से, प्रमाद से और अज्ञान से। फिर इनका फल है, सत्व से क्या फल मिलता है? सुख मिलता है, ज्ञान मिलता है और वैराग्य मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है आपका कि रज से क्या मिलता है, तो रज से आपका दुख मिलता है। तम से क्या मिलता है? अज्ञान, उसका फल क्या है? अज्ञान है। फिर बांधता है, सत्व गुण किसमें बांधता है? सुख में बांधता है, जो सत्व गुण होता है। और जो हमारा रज गुण है, सकाम कर्मों में बांधता है, कामना से जो हम कर्म करते हैं। फिर जो हमारा तम है, तम ज्ञान को ढक लेता है, मोह आलस्य निद्रा में बांधता है। फिर मृत्यु होने पे क्या होता है? सत्व गुण में अगर मृत्यु होती है तो दिव्य स्वर्गवादी लोगों की प्राप्ति होती है, ज्ञानी लोगों के बीच जन्म होता है, मतलब कि स्वर्ग। जो रजगुण होते हैं, कर्मों में आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, सकाम लोग सकाम में उत्पन्न होते हैं। और जो आपका है तम, इसमें कीट, पशु, मूड योनियों में जन्म होता है और अधोगति यहाँ पर बताई गई है। और फिर है नेक्स्ट, इसी का रह गया थोड़ा पार्ट, कि गुण बढ़ने से, सत्व गुण बढ़ने से क्या होता है? देह में अंतकरण इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। रज में, रज अगर बढ़ जाता है तो लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि, सकाम भाव, अशांति, विषयों के भोग में लालसा बढ़ती है। तम अगर बढ़ जाता है तो अंतकरण इंद्रियों में अप्रकाश हो जाता है, कर्तव्य कर्मों में अवृत्ति हो जाती है। प्रमाद, व्यर्थ चेष्टा, निंद्रा, अंतकरण में मोहनी वृत्तियां इस तरीके से बताई गई है। फिर यहाँ पर गीता के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कब हो जाती है? तीनों गुणों के अतीत हो जाने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, गुणातीत होने पर। फिर 15 अध्याय में पुरुषोत्तम योग को बताया गया है। यहाँ पर संसार रूपी अश्वत्थ रूपी वृक्ष का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो ये वृक्ष है, ये वृक्ष कैसा है? उल्टा ये वृक्ष होता है, इसकी जड़ें ऊपर की ओर होती है और जो इसकी शाखा है, पत्तियां वगैरह होती है, ये नीचे की ओर होती है। तो जड़ें क्या है? आकाश में होती है। जो शाखाएं होते हैं वे नीचे की ओर होती है। जो इसकी पत्तियां है, पत्तियों को यहाँ पर वेद कहा गया है। जो इसकी टहनियां होती है, ये इंद्रिय विषय, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इनको कहा गया है। जो शाखाएं हैं वे इसकी योनियां बोली गई है। और इस वृक्ष का भरण पोषण कैसे होता है? तो ये तीन गुण के द्वारा होता है, सत्व, रज और तम। ये वृक्ष का पोषण होता है इनसे, ऐसा बताया गया है। तो जड़ें ऊपर, शाखाएं नीचे, शाखाओं की ओर नीचे जा रही विभिन्न योनियां हैं, पत्ते इसके वेद हैं, पत्तियां टहनियां इंद्रियों के विषय यहाँ पर बताए गए हैं। वास्तविक रूप से वृक्ष को जो नहीं जान सकते हैं, जैसे भगवान को नहीं जाना जा सकता, इसका न आदि न अंत है, न आधार है, न स्थिति, मतलब कि इस वृक्ष की तुलना भगवान से की गई है। जैसे भगवान को नहीं जाना जा सकता, वैसे इस वृक्ष को नहीं जाना जा सकता है। और फिर इसके बारे में बताया गया है कि इस पीपल वृक्ष संसार रूप को किससे काटा जा सकता है, इसका उपाय भी बताया गया है। तो इसको वैराग्य से काटा जा सकता है इस वृक्ष को, ठीक है, ये भी आ सकता है। फिर यहाँ पे दो प्रकार के जीव बताए गए 15वें अध्याय में, शर और अशर। अशर मतलब अचुत्य, शर मतलब जो नाशवान है, जो भौतिक जगत है उसको बोला गया है। अशर मतलब ये अचुत्य जो है वह अविनाशी है, आध्यात्मिक है, जगत है, ऐसा बताया गया है। फिर यहाँ पर वैश्वानर अग्नि की बात होती है। वैश्वानर अग्नि में प्राण और अपान को संयुक्त से संयुक्त करना ही वैश्वानर अग्नि बोला गया है। वैश्वानर अग्नि का और वर्णन हमें कहाँ मिलता है? मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य है। और हठयोगी ग्रंथ में शिव संहिता है, शिव संहिता। शिव संहिता में भी चार प्रकार के अन्न और वैश्वानर अग्नि की बात भी है। तो वैश्वानर अग्नि रूप में चार प्रकार, यहाँ से चार प्रकार के अन्न को पचाता है। वे कौन कौन से चार प्रकार हैं? चर्वे, चर्वे मतलब चबाने वाले, पे, पे मतलब पीने वाले, ले, ले मतलब निकलने वाले, चोष्य मतलब चूसने वाले, ये पदार्थ है वैश्वानर अग्नि का। और चार प्रकार का अन्नों का वर्णन हमारे 15वें अध्याय में हुआ है। नेक्स्ट है आपका 16वां अध्याय। 16वें अध्याय में आपका है देवासुर संपदा योग। इसमें इस संसार में दो प्रकार के लोग बताए गए हैं, एक तो देवी संपदा और एक होता है आसुरी संपदा। देवी संपदा जिसमें सारी अच्छी आदतें जो होती है वह देवी संपदा में आती हैं, जैसे सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, गुरु पूजन, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, स्वधर्म का पालन, मन वाणी से कष्ट न देना, तेज, क्षमा, धैर्य आदि, ये सब देवी संपदा में आ जाती है।
आसुरी संपदा, जितनी भी बुरी आदतें होती है वो उनको उससे हम समझ सकते हैं, जैसे दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञानता और बल का दुरुपयोग, ये सारी चीजें आसुरी संपदा में आ जाती हैं। अधोगति या नरक में जो ले जाने वाली कौन सी तीन चीजें हैं? काम, क्रोध और लोभ, तीनों के त्याग से ही परम गति प्राप्त होती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है श्रद्धा, आता है विभाग योग। तो इसमें श्रद्धा तीन प्रकार से बताई गई है, एक तो सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो श्रद्धा मतलब कि पूजन किससे होता है? सात्विक में देवताओं सा, राजसिक में यक्ष और राक्षसों का, तामसिक में भूत और प्रेतों में। जो आहार है, आहार भी तीन प्रकार से है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो सात्विक आहार है इसमें बताया गया है आयु, बुद्धि, बल, आरोग्यता, सुख में प्रीति बढ़ाने वाला, रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर और स्वभाव से स्वभाववान से मन और मन को प्रिय लगने वाला, इस तरीके से यहाँ पर सात्विक आहार को बताया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आ गया, आ चुका है। फिर है राजसिक। राजसिक भोजन कैसा होता है? कटु, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, रुक्ष, दाहकारक, सुख और शोक, रोग से उत्पन्न करने वाला कौन सा होता है? राजसिक आहार होता है। और तामसिक आहार, 3 घंटे से जो पूर्व भोजन होता है, या याम, याम बोला गया है, 3 घंटे से जो पूर्व भोजन है, जो बासी भोजन हो जाता है, अधपका भोजन, रस रहित, बासी, दुर्गंधयुक्त, उत्कृष्ट और अपवित्र भोजन को तामसिक भोजन कहा गया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है, कितने घंटे पहले भोजन बासी हो, मतलब कि बासी हो जाता है या तामसिक गुण वाला हो जाता है? तो ये आ जाएगा याम, याम या 3 घंटे पूर्व। फिर है आपकी तप। तप के 3 प्रकार बताए गए, शारीरिक, मानसिक और वाणी। शारीरिक हो गया देवता, ब्राह्मण और गुरु पूजन, मानसिक में मन की प्रसन्नता और शांत भाव से, वाणी हो गया वेद शास्त्रों के पठन पाठन से। इसमें भी सात्विक तप, राजसिक तप और तामसिक तप हो जाता है। सात्विक तप में कौन कौन सी चीज आती है? श्रद्धा सहित फल न चाहने वाला जो तप होता है उसे सात्विक तप कहा जाता है। सत्कार, मान, पूजा, स्वार्थ, पाखंड के साथ जो होता है, क्षणिक फल के लिए जो होता है, वह राजसिक तप हो गया। तामसिक तप में क्या होते हैं? मूढ़ता, हट, मन वाणी से दूसरों को जो कष्ट देकर होता है, वह वाला तप बताया गया है। फिर दान भी बताया गया, दान भी 3 प्रकार का है, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। देश, काल, पात्र के बिना उपकार या जो दान होता है वह आपका सात्विक दान है। उपकार भाव के साथ जो क्लेश, दुखी मन और फल की इच्छा से जो दिया जाता है वह राजसिक दान हो गया। बिना देश, काल, सुपात्र देत के, असत्कार, तिरस्कार पूर्वक जो दान दिया जाता है, कुपात्र को जो दिया जाता है, वह तामसिक आपका दान हो जाता है। फिर यज्ञ बताया गया है, फल की आशा के बिना शास्त्र विधि से, शांत मन से जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक यज्ञ है। सत्कार वे मान के और दंभ के लिए जो यज्ञ किया जाता है वह आपका राजसिक यज्ञ है। मूर्ता और खुद को कष्ट देकर जो किया जाता है वह आ जाता है आपका तामसिक यज्ञ। फिर सबसे लास्ट है आपका मोक्ष संन्यास योग। इसमें संन्यास के 2 प्रकार हैं, इसमें भौतिक और विचार कुशल यहाँ पर बताया गया है। भौतिक इच्छाओं का त्याग कार्य कर्मों को करना, और विचार कुशल मतलब है कर्मों का त्याग ही संन्यास यहाँ पर बताया गया है। फिर त्यागने योग्य नहीं है, क्या चीज नहीं त्यागनी चाहिए? यज्ञ को, दान को और तप को नहीं त्यागना चाहिए। और त्याग भी 3 प्रकार के बताए हैं यहाँ पर, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और कर्मों के हेतु, 3 कर्मों के हेतु यहाँ पर 5 चीजें बताई गई है। सबसे पहले शरीर, कर्ता, साधन, साधन मतलब विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं, चेष्टाएं मतलब इच्छाएं और वैभ, ये कर्मों के हेतु बताए गए हैं। और फिर यहाँ पर कर्म प्रेरणा देने वाले कौन कौन से? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय को बताया गया है, जो कर्म को प्रेरणा देते हैं। कर्म का संग्रह कर्ता, करण और क्रिया द्वारा यहाँ पर बताया गया है। 3 ज्ञान, पुरता, सुख दिए गए हैं। 4 वर्णों का, गुणों का वर्णन यहाँ पर है, कौन कौन से 4 वर्णों के? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये हो गया आपका गीता, भगवद गीता यहीं पर समाप्त होती है, 18 अध्याय यहीं पे समाप्त होते हैं। आवाज आ रही है ना जी? मैम। यस मैम। फिर आ जाता आपका, हाँ जी, कर्ता बता रहे थे, 3 बता रहे थे यहाँ, साधन और विभिन्न इंद्रियां, 3 कौन कौन है? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, कर्म के संग्रह कर्ता, करण और क्रिया।
फिर है आपका योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में तीन प्रकार के योग हैं, अष्टांग योग, ज्ञान योग और कर्म योग। काल, काल कौन से है? महारामायण के समय का काल है। रचयिता इसके वाल्मीकि है। श्रोता कौन है? राम यहाँ पर है। मूल विषय क्या है इसका? ब्रह्मवाद है। संसार का अस्तित्व नहीं, केवल ब्रह्म का अस्तित्व यहाँ पर बताया गया है। केंद्र बिंदु क्या है? ब्रह्म है। भाषा इसका अनुवाद, 12 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। इसके अन्य नाम क्या है? महारामायण, उत्तर रामायण और वशिष्ठ रामायण, ये इसके तीन अन्य नाम बताए गए हैं योग वशिष्ठ के। कर्म योगियों के लिए भगवत गीता बताई गई है। ज्ञान योगियों के लिए योग वशिष्ठ यहाँ पर बताया गया है। इसमें कुल श्लोकों की संख्या 32,000 है। जो सर्ग है इसमें 674 यहाँ पर बताए गए हैं। और परिभाषा यहाँ पर दी गई है, संसार सागर से पार होने की स्थिति ही हो गई है। यहाँ पे से डेफिनेशन आपकी आ चुकी है एक बार। चित्त विलय, चित्त विलय के दो कारण यहाँ पर बताए गए हैं। एक तो आत्मज्ञान मतलब निर्वाण, और प्राण निरोध यहाँ पर बताए गए हैं चित्त विलय के कारण। फिर यहाँ पर योग है, योग हमने देख लिया। ज्ञान योग, कर्म योग और अष्टांग योग का वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। तो इसमें कुल अध्याय 6 अध्याय दिए गए हैं। एक मिनट दे मुझे, ठीक है। ये श्लोक की संख्या किसी के पास 674 ही है क्या? 672 लिखा है मेरे यहाँ। कोई कुछ कह रहा था? नहीं मैम, मेरे यहाँ 672 लिखा है सर्ग, इसलिए मैं पूछ रही थी। स्क्रीन में डिग्री क्या अभी? क्या स्क्रीन में? हाँ अब आ गई। संडे है ना, संडे को काफी हो जाए। कुल अध्याय इसमें 6 हैं। आप क्या कह रहे थे? श्लोकों से मैम 6 अध्याय है, 32 मतलब 32,000 श्लोक है, और सर्ग ना 672 लिखा है, तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि कितने हैं। सर्ग देख लेंगे फिर एक बार, अगर कंफ्यूजन है तो। इसमें कुल अध्याय 1000 के श्लोक हैं इसमें, और सर्ग सर्ग तो ठीक लिखा है। ठीक है, 32,000 है वो तो कह रहे हैं। सर्ग में दिक्कत है ना, सर्ग में कह रहे हैं 672 कह रहे हैं। 674 ही है। ठीक है, 674 ही है। जी जी, थैंक यू। फिर इसमें कुल अध्याय आपके 6 हैं। इसमें 6 अध्याय कौन कौन से हैं? यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा अध्याय है। तो सबसे पहले वैराग्य प्रकरण है, फिर मुमुक्ष प्रकरण है। मुमुक्ष प्रकरण में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चर्चा है। फिर है उत्पत्ति प्रकरण। उत्पत्ति प्रकरण में जीव की 14 श्रेणियां यहाँ पर बताई गई हैं। उत्पत्ति प्रकरण में, स्थिति प्रकरण में जीव की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। फिर उपशम प्रकरण है, फिर निर्वाण। निर्वाण के भी 2 पार्ट है, एक तो पूर्वार्ध है और फिर उर्धार्ध उत्तरार्ध है। और निर्वाण में आदि व्याधि का वर्णन यहाँ पर मिलता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, विवेक मिश्रा ऊपर से स्थित उपलोक को निकालो। विवेक से वैराग्य, मिश्रा से मुमुक्ष, ऊपर से मतलब उत्पत्ति, स्थिति स्थित मतलब स्थिति, उपलोक को मतलब ऊ से हो जाएगा उपशम, और को निकालो, निकालो से हो जाएगा निर्वाण। नेक्स्ट इसमें 7 भूमियां बताई गई हैं। उत्पत्ति प्रकरण में 7 भूमियां हैं। ज्ञान और अज्ञान की 2 भूमियां हैं। ज्ञान भूमि में हो गया सुबेश्या, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थ भावना और तुरज्ञा। ये 7 आपकी ज्ञान की भूमियां हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, शुभम ने विचार किया, तनु के लिए सत्तु लाऊंगा, असफल हो गया, प्रार्थना की भावना से तुला दे। ठीक है, तो सबसे पहले शुभम से हो जाएगा आपका शुभेच्छा, फिर हो जाएगा विचार, विचार से विचारणा, तनु, तनु से हो गया तनु मानसा, सत्तु से हो गया सत्वापत्ति, और से हो गया असंसक्ति, और प्रार्थना से हो गया पदार्थ भावना, तुरज्ञा से हो गया तू से हो जाएगा तुरज्ञा। ठीक है,
फिर हो गया अज्ञान, अज्ञान में सात सात आपकी भूमिया है, बीज जागृत, जागृत, महाजागृत, जागृत अवस्था, स्वप्न, स्वप्न जागृत और सुषुप्ति। तो इसमें बीज खाकर मजा आ गया, सपने में सपना का ससुराल आ गया, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो बीज से हो गया बी, से हो गया बी और बीज जागृत, जौ से हो गया आपका जागृत और मजा में हो जाएगा महाजागृत, जौ से फिर बन जाएगा आपका जागृत अवस्था, सपना से हो जाएगा स्वप्न और फिर सपना में दो आ जाए, ये हो गया सपने में, इस सपने से हो जाएगा आपका स्वप्न और इस सपने से हो गया स्वप्न जागृत और सौ से हो गया सुषुप्ति। फिर यहाँ पे दो मार्ग की बात हुई है, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति में अपरा जो विद्या है, स्वर्ग की जो अभिलाषा है, वो प्रवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति, निवृत्ति मार्ग में परा विद्या और मोक्ष के पाने की जो अभिलाषा होती है, वह निवृत्ति मार्ग यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पे निर्वाध प्रकरण के पूर्वार्ध में जीव की सात सप्त भूमिकाएं बताई गई हैं, श्रवण, मनन, निध्यासन, विलापनी, सुप्त, सप्त रूप, ब्रह्म रूप और तुरज्ञा यहाँ पर बताई गई है। निध्यासन मतलब जागृत रूप, विलापनी मतलब स्वर्ग स्वप्न रूप, सुषुप्त रूप मतलब उदासीन और ब्रह्म रूप मतलब तुरज्ञ रूप और तुरज्ञा मतलब तुरियातीत यहाँ पे बताया गया है। तुरियातीत को प्राप्त करने के लिए जो पद्धतियां हैं, तीन पद्धतियां बताई गई है। एकल, एक तत्व की जो दृढ़ भावना है उसको बोला गया है। इसके भी तीन पार्ट हैं, ब्रह्म भावना, अभाव भावना और कैवल्य भावना। फिर यहाँ पे मनोलय बताया गया, मनोलय के यहाँ पे 10 प्रकार बताए गए हैं। फिर प्राण निरोध को बताया गया है, प्राण निरोध मतलब मेरु के समान स्थिर हो जाना, मेरु के स्थान स्थिर हो जाना ही प्राण निरोध कहा गया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपकी आदि और व्याधि, निर्वाण प्रकरण में इसका वर्णन मिलता है। इसमें मुख्य नाड़ियां 100 बताई गई हैं। रोगों की उत्पत्ति किससे हो जाती है, जब अन्न में एक रस पहुंचने वाली जब नाड़ी में कफ और पित्त बढ़ जाता है तो रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। रोग के प्रकार यहाँ पर दो दिए गए हैं, व्याधि और आदि। व्याधि मतलब शारीरिक और इसको अनाधिज भी बोला गया है, आदि मतलब मानसिक और इसको आधिज भी बोला गया है। तो जो व्याधि है शारीरिक या अनाधिज है, इसके दो प्रकार है, सामान्य व्याधि और सार व्याधि। सामान्य व्याधि कैसी होती है, बाह्य फैक्टर से जो उत्पन्न होते हैं, जैसे श्रद्धा, तृष्णा, स्त्री, पुत्र, लालसा, ये सब क्या आ जाती है, सामान्य व्याधि में आ जाती है। जो सार व्याधि होती है ये वंशागुणत होती है और ये नष्ट किससे होती है, आत्मज्ञान से ये नष्ट हो जाती है। फिर आपकी मानसिक जो है इसको आधिज भी बोला गया है। ये सामान्य और सार दो प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो सामान्य जो होती है पैतृक नहीं होती है, जो सार होती है ये पैतृक होती है। आदि से जो उत्पन्न होने वाली है वह आदिज होती है और आदिज से जो उत्पन्न ना हो वह अनादिज होती है, मतलब कि ये वाली अनादिज। फिर यहाँ पर नष्ट हो गया। फिर यहाँ पर जो कोष आ जाते हैं, जो आपकी शारीरिक व्याधियां, इसमें कोष कौन कौन से हो जाते हैं, अन्नमय कोष और प्राणमय कोष हो जाते हैं। और जो ये वाला है आपका आदि जो है, आदि की जो बीमारी में कौन सा कोष आ जाता है, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। और मनोदैहिक विकार क्या होते हैं, मन, प्राण और शरीर में तीनों में जो होते हैं उनको मनोदैहिक विकार कहा जाता है। फिर है मोक्ष प्राप्ति के स्तंभ, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। शम, शम मतलब शांति, विचार, विचार मतलब विवेक, फिर हो जाएगा आपका संतोष और फिर साधु संग, साधु मतलब सत्संग, सम मतलब सुख में परम सुख, विचार ज्ञान में श्रेष्ठता, संतोष मतलब सभी लाभों में श्रेष्ठ है, सत्संग मतलब सभी गतियों में जो परम गति है उसको बोला गया है। और यहीं पे आपका योग वशिष्ठ समाप्त होता है। तो ये हो गया आपका यूनिट 2 कंप्लीट। मैं मुद्राएं करवा दीजिए ना, कि आप थक गए। अब आज नहीं कराऊंगी, अभी पहले प्रेयर कर लेते हैं फिर करेंगे। चलिए सभी अपना कमर गर्दन सीधा करेंगे, लंबा गहरा श्वास। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।